हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी। आज मैं यहाँ पे ड्रिलिंग को कवर करूँगा। तो बेसिकली ड्रिलिंग को मैं यहाँ पे पूरा गेट पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करूँगा। दैट मीन्स गेट में जो भी आपको कंसेप्ट रिक्वायर्ड है, थ्योरी या जो भी फॉर्मूला आपको रिक्वायर्ड है, उन सभी को कवर करूँगा। साथ ही साथ मैं गेट एग्जाम के कुछ क्वेश्चन को भी लूँगा और उनको भी सॉल्व करूँगा ड्रिलिंग के, सो दैट ये जो कंसेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसका अप्लीकेशन जो होगा उस वाले प्रॉब्लम पर हो पाएगा, और आप देख पाओगे हम प्रॉब्लम को कैसे एकदम ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टार्ट अवर वीडियो। तो ड्रिलिंग की बात करूँगा तो बेसिकली ये जो होता है राइट मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल होता है। दैट मीन्स इसके पास जो कटिंग टिप होता है, मोर देन वन कटिंग टिप होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल। अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को डिस्कस कर रहे थे इसके पहले वाले पूरे लेक्चर्स में, जैसे मैं शेपिंग ऑपरेशन में डिस्कस किया या फिर मैं अगर टर्निंग ऑपरेशन में डिस्कस किया, तो वो सभी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल था। बट ड्रिलिंग जो होगा वो कैसा होगा, मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल होगा। और यहाँ पे देखेंगे किस टाइप का ऑपरेशन ड्रिलिंग में होता है या क्या प्रोड्यूस होता है। तो प्रोडक्शन की अगर बात करूँगा तो राइट सर्कुलर होल्स आर प्रोड्यूस्ड, सर्कुलर होल्स आर प्रोड्यूस्ड। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं ड्रिलिंग के हेल्प से सर्कुलर होल्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं किसी भी ब्लॉक में या किसी भी प्लेट में। जनरली हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, मान लो अगर मेरे पास इस टाइप का अगर एक ब्लॉक है राइट, जिसका थिकनेस जो है, थिकनेस को सपोज करो मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान देना है, थोड़ा सा डिफरेंट नोटेशन भी आपको लग सकता है बट ध्यान देना है, ये एल जो है दिस इज थिकनेस ऑफ दिस ब्लॉक, थिकनेस ऑफ ब्लॉक, उस ब्लॉक का ये थिकनेस है यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे पास एक ड्रिल टूल है, ध्यान देते हैं, ये यहाँ पे आपके पास एक ड्रिल टूल है, इस टाइप का एक ड्रिल टूल। सो हियर वी हैव ड्रिल टूल जो इस रोटेट कर रहा है विथ एन आर पी एम, एन आर पी एम से क्या कर रहा है यहाँ पे रोटेट कर रहा है ड्रिल टूल। और ये ड्रिल टूल जो है यहाँ पे है अभी रोटेट करते हुए, इसका जो फीड होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसा होगा, इसका जो मूवमेंट होगा यहाँ पे इस तरीके से नीचे की तरफ जाएगा यहाँ पे रोटेट करते हुए, तो इस वाले डायरेक्शन में इसका क्या हो जाएगा बताना, फीड हो जाएगा। फीड मीन्स ब्लॉक के अंदर जा रहा है और कंटिन्यूसली ये एन आर पी एम से क्या हो रहा है, रोटेट होते रह रहे हैं। तो इसका भी जो फीड होता है जिसको जनरली हम लोग फीड रेट एफ बोलते हैं, वो भी आता है इन टर्म्स ऑफ एम एम पर रेवोल्यूशन आता है, जस्ट लाइक टर्निंग ऑपरेशन का होता है उस टाइप से होता है। दैट मीन्स फीड का मतलब होता है हाउ मच एम एम पर रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन के बाद ये ड्रिल, जब ड्रिल ऐसे रोटेट करके एक रेवोल्यूशन के बाद नीचे जाएगा तो कितना एम एम नीचे जाएगा, एक रेवोल्यूशन के बाद कितना एम एम नीचे जाएगा, 2 mm, 5 mm, जितना भी आप दोगे एफ का वैल्यू, एक रेवोल्यूशन के बाद वो ड्रिल उतना डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट उसको हो गया होगा, चला गया होगा, ऐसा बोल पाएंगे, दैट इज नोन एज फीड। ये फीड हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे व्हाट इज द डाया ऑफ दिस ड्रिल टूल। ये जो आपके पास ड्रिल टूल है इसका डाया अगर मान लो यहाँ पे लेता हूँ, डी लेता हूँ, इफ डी इज द डाया, इसका जो डाया है यहाँ पे सपोज कर लिख रहा हूँ यहाँ पे ऐसे डी लिख दिया हूँ, डी इज द डाया, और ये उसका एक्सिस है, ये यहाँ पे ऐसे कैसे हो गया इसका, दिस इज द एक्सिस ऑफ ड्रिल। तो ये जो ड्रिल है, सो हियर वी हैव, ये जो मैं यहाँ बनाया हूँ इसको बोला जाता है जनरली ड्रिल बोला जाता है, या फिर इसी को ड्रिल टूल बोला जाता है, यहाँ ड्रिल टूल भी कुछ लोग बोलते हैं, यहाँ पे कुछ लोग सिर्फ ड्रिल बोलेंगे, दैट इज ओके, एंड दिस इज नोन एज एक्सिस ऑफ ड्रिल। तो ये आपके पास हो गया एक्सिस ऑफ ड्रिल, ये ड्रिल का एक्सिस हो गया। तो ड्रिल का जो डाया है वो डी है, ड्रिल का फीड रेट कितना है F इन टर्म्स ऑफ एम पर रेवोल्यूशन, और इसका जो स्पीड है वो एन आर पी एम उसका स्पीड हो गया ड्रिल का, ये इन्फॉर्मेशन है। एंड L इज़ द थिकनेस ऑफ द ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है, सो दिस इज द वर्क पीस और ब्लॉक, जिसको मैं वर्क पीस बोल रहा हूँ या फिर इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्लॉक बोल रहा हूँ, या फिर इसको मैं प्लेट भी बोल सकता हूँ, एनीथिंग जिसमें आपको क्या करना है, ड्रिल करना है या फिर जिसमें आपको सर्कुलर होल प्रोड्यूस करना है। अब बात करते हैं आफ्टर सम टाइम जब पूरा का पूरा ड्रिल नीचे चला गया होगा तो वैसे कंडीशन में जो होल प्रोड्यूस हुआ होगा वो कैसा आपको दिखेगा, ध्यान देते हैं यहाँ पे। तो आपका होल इस टाइप से प्रोड्यूस होगा, ये आप ब्लॉक था आपका, इसमें आप होल प्रोड्यूस करना चाहते थे तो ये होल आपको इस टाइप से प्रोड्यूस हो जाएगा। ये ड्रिल मान लो इस टाइप से पूरा चला गया है अंदर, यहाँ तक इस टाइप से ड्रिल पूरा चला गया है ये यहाँ पे, सपोज करो ड्रिल ने ओवर ट्रैवल भी कुछ कर लिया थोड़े देर, फिलहाल यहाँ पे ज़ूम कर लिया हूँ, तो वैसे कंडीशन में आप देख सकते हो ये जो ब्लॉक है इस वाले ब्लॉक में राइट, पूरा ब्लॉक ऐसे अगर सेड कर दे रहा हूँ, हियर वी हैव ब्लॉक, मेटल मेटल का ब्लॉक है मान लो पूरा, वैसे कंडीशन में क्या हो रहा है ब्लॉक में क्या हो जा रहा है, होल हो जा रहा है। सो हियर वी हैव होल, और होल का जो डाया होगा, होल का डाया भी जो होगा वो डी हो जाएगा, डाया ऑफ ड्रिल के बराबर। बट एक्चुअली साइज थोड़ा सा वैरी करता है, बट हम लोग फिलहाल यहाँ पे क्या ले रहे हैं, डी का डाया यानी ड्रिल का डाया और होल का डाया सेम ले रहे हैं फिलहाल यहाँ पे कैलकुलेशन पर्पज से, जहाँ पे डी जो होगा डाया ऑफ होल बोल सकते हो या फिर डाया ऑफ ड्रिल भी यहाँ पे बोल सकते हैं।
एंड वॉट इज़ एल, तो यहाँ पे एल जो है वो ब्लॉक का थिकनेस है, लेकिन जनरली हम लोग थिकनेस के नाम से नहीं बोलते हैं, जनरली इस एल को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ होल बोलते हैं। वॉट इज द लेंथ ऑफ द होल, होल का लेंथ कितना है, एंड वॉट इज़ द डी, दैट इज डाया ऑफ होल हो रहा है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ वॉट इज एल, एल जो होगा आपके पास ये हो जाएगा आपके पास लेंथ ऑफ होल, होल का लेंथ क्या है, वेयर डी इज द डाया ऑफ होल, डाया ऑफ होल और ड्रिल, होल और ड्रिल, डी हो जाएगा आपके पास। एन जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्पीड ऑफ ड्रिल, स्पीड ऑफ ड्रिल इन आरपीएम, तो आरपीएम में स्पीड ऑफ ड्रिल आपके पास आ जाएगा, स्पीड ऑफ ड्रिल इन आरपीएम। नाउ एफ जो हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा फीड रेट, हो जाएगा फीड रेट ऑफ ड्रिल हो जाएगा आपके पास। तो इस टाइप से आप देख सकते हो यहाँ पे होल हो रहा है, सर्कुलर होल हो रहा है इस ब्लॉक में, सर्कुलर होल यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर वन होल, एक होल के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट इज टाइम फॉर वन होल, टाइम फॉर वन होल। अगर मैं वन होल की अगर बात करूँ एक होल के लिए, जिसको मैं सपोज टी एम से रिप्रेजेंट करता हूँ, दैट इज द मशीनिंग टाइम फॉर वन होल, एक होल को मशीनिंग करने में यानी प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा, रिप्रेजेंटेड बाई टी एम। मैं टर्निंग ऑपरेशन में भी उसको टी एम से रिप्रेजेंट कर रहा था, हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ और मशीनिंग ऑफ वन राइट सिलेंड्रिकल जॉब, तो टी एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टाइम फॉर वन होल। आप देखोगे टर्निंग ऑपरेशन में क्या था, सिलेंड्रिकल जॉब था, तो बेसिकली एक सिलेंड्रिकल जॉब था वो भी रोटेशन में था और थ्रू आउट द लेंथ उसको क्या करना रहता था, कवर करना रहता था। और यहाँ पे भी टर्निंग में वैसा ही है, एक सिलेंड्रिकल होल हो रहा है, यानी अगर मैं बेसिकली अगर बात करूँ तो टर्निंग और ड्रिलिंग में बात करूंगा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपके पास सर्कुलर और लेंथ भी है, यानी सिलेंड्रिकल होल हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपका जो है वो सिलेंड्रिकल हो रहा है, और टर्निंग में भी कैसा रहता था, सिलेंड्रिकल होता रहता था। फीड का यूनिट भी सेम है, यहाँ पे भी एमएम पर रेवोल्यूशन, वहाँ पे भी एमएम पर रेवोल्यूशन, लेंथ यहाँ पे है, वहाँ पे भी जो जॉब था आपका टर्निंग ऑपरेशन में, जनरली जो जॉब लगा रहता है स्पिंडल पे वो भी रोटेट करता है अबाउट द एक्सिस, और एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है एट द स्पीड ऑफ एन आर पी एम। यहाँ पे भी आपका जो ड्रिल है वो एक्सिस के अबाउट यहाँ पे रोटेट कर रहा है एट द स्पीड ऑफ एन आर पी एम, तो ऑलमोस्ट सेम है, तो टाइम का फॉर्मूला सेम होगा, टाइम के फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एल बाई एफ एन, लिख रहा हूँ यहाँ पे एल बाई एफ इन टू एन, जहाँ एल जो होगा लेंथ ऑफ होल होगा, एफ फीड रेट हो गया, एन जो हो गया स्पीड इन आर पी एम हो गया उस ड्रिल टूल का। अब देखते हैं यूनिट कैसा होना चाहिए, तो लेंथ मान लो अगर आपने लिया है एम एम में, फीड को बोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एमएम पर रेवोल्यूशन बोल रहे हैं, एमएम पर रेवोल्यूशन, और स्पीड जो होता है आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट, तो रेवोल्यूशन पर मिनट यहाँ पे आ गया। आप देखोगे ये रेवोल्यूशन वोल्यूशन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और ये एमएम कैंसिल हो जाएगा और ये मिनट ऊपर चला जाएगा, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, ये मिनट बन जाएगा। सो व्हाट इज द यूनिट, तो अगर आपने लेंथ को अगर एमएम में रखा है, अगर फीड को एमएम पर रेवोल्यूशन में और एन को आरपीएम में रखा है, तो बेसिकली ये फॉर्मूला का जो रिजल्ट आएगा किसमें आएगा, मिनट के टर्म्स में टाइम फॉर वन होल आ जाएगा, दिस मच ऑफ मिनट, इतना मिनट लगेगा एक होल करने के लिए। और ये फॉर्मूला जो है ना इग्नोरिंग अप्रोच एंड ओवर ट्रैवल, यहाँ पे बोल रहा हूँ इग्नोरिंग और नेग्लेक्टिंग अप्रोच एंड ओवर ट्रैवल, अप्रोच एंड ओवर ट्रैवल। अगर आपने अप्रोच या फिर ओवर ट्रैवल को अगर आपने मान लो अगर नेग्लेक्ट कर दिया है वैसे कंडीशन में, दिस मच इज द टाइम। क्या होता है अप्रोच, क्या होता है ओवर ट्रैवल, उसकी बात करेंगे। अप्रोच का मतलब ये है, सपोज करो अगर ऐसा होता है कि ये जो टूल है ये थोड़ा सा पहले डिस्टेंस यहाँ से स्टार्ट करता है ट्रैवल करना, जैसे मैंने जो यहाँ पे बनाया है, ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा, मैंने जो बनाया है वो टूल यहाँ से एग्जैक्टली स्टार्ट करता है, यानी मेटल को टच करता है, उसके बाद मान लो स्टार्ट कर रहा है। लेकिन मान लो अगर ऐसा होता कि टूल जो है थोड़ा सा पहले से यहाँ से स्टार्ट होता, टूल अगर सपोज करो अगर यहाँ से अगर ऐसे स्टार्ट होता लाइक दिस, अगर इस टाइप से यहाँ पे स्टार्ट होता, तो टूल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सो दिस इज नोन एज अप्रोच, यानी वो मेटल को टच करने से पहले, कटिंग के पर्पज से पहले कितना, सपोज दिस इज ए एम एम इन टर्म्स ऑफ एम एम लिख रहा हूँ, ये हो गया आपका अप्रोच हो जाएगा। और टूल कितना यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है, इसको यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं बी एम एम बोल रहे हैं, क्या हो रहे हैं इसको यहाँ पे बी एम एम बोल रहे हैं। हाउ मच, तो टूल कितना उसका अप्रोच है, कितना उसको ओवर ट्रैवल है, यानी होल करने के बाद भी टूल और कितना ट्रैवल कर गया, दैट इज नोन एज ओवर ट्रैवल। तो वैसे कंडीशन में मेरे को अगर लिखना होगा दोनों एमएम में, और लेंथ भी जो है यहाँ पे, दिस इज द लेंथ फ्रॉम हियर टू ये, यहाँ से यहाँ तक ये कैसा हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, और ये भी कैसे हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ एमएम हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँगा कि टूल अगर थोड़ा ओवर ट्रैवल भी ले रहा है, अप्रोच भी ले रहा है, वैसे कंडीशन में हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ टाइम फॉर वन होल, तो टाइम फॉर वन होल और मशीनिंग टाइम फॉर वन होल जो हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू L प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एफ इन टू एन, एग्जैक्टली वैसे ही रहेगा, L प्लस ए प्लस बी इन टर्म्स ऑफ मिनट, ये भी आएगा इन टर्म्स ऑफ मिनट, आप यहाँ पे देख सकते हो। बट डिफरेंस कहाँ पे,
पहले जो था विदाउट अप्रोच इन ओवर ट्रैवल, आपका जो टूल है ना सिर्फ एल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था, एल डिस्टेंस, सिर्फ एल डिस्टेंस मान लो, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से लेके टूल आपका सिर्फ यहाँ तक ट्रैवल कर रहा था, ऐसा बोल रहा हूँ, एल डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है, तो वैसे कंडीशन में एल बाई एफ एन हो गया। लेकिन आपका टूल अगर थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है अप्रोच और ओवर ट्रैवल, तो उस लेंथ को आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, एल प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एफ इंटू एन। अब बात करेंगे यहाँ पे एक चीज़ आप थोड़ा सा और ध्यान दोगे, मैं इस टिप जो है, ये जो टिप है, ये टिप कितना ओवर ट्रैवल कर रहा है इसकी बात अभी फिलहाल नहीं किया हूँ। ये अगर यहाँ से देखूँ तो यहाँ से ऐसा है, ये टिप टिप है यहाँ पे, तो इस टिप की मैं यहाँ पे ऐसे बात नहीं किया हूँ अभी फिलहाल, बी तक बात किया हूँ। टिप कितना ओवर ट्रैवल किया, दिस इज टिप, ये कितना ओवर ट्रैवल किया यहाँ पे फिलहाल इसको नहीं लिया। अगर इसका मैं ओवर ट्रैवल लूँ, अगर सी को अगर ले लेता हूँ, सपोज दिस इज सी एम एम, लेंथ सी एम एम, उसको अगर लेता हूँ ओवर ट्रैवल बाई टिप, बिकॉज दिस इज नोन एज टिप ऑफ द टूल, दिस इज नोन एज टिप और ड्रिल पॉइंट, टिप और इसी को बोला जाता है ड्रिल पॉइंट भी कई बार बोला जाता है, ड्रिल पॉइंट ऑफ द टूल, ड्रिल पॉइंट ऑफ द टूल। वैसे कंडीशन में अगर मैं उसको ओवर ट्रैवल लूँ तो कैसा होगा, आप ध्यान देंगे इस टाइप से। अगर मान लो मैं ड्रिल बनाता हूँ, सपोज ये मेरा ड्रिल है यहाँ पे, इसको मैंने बना लिया है ड्रिल, और यहाँ पे उसका ये ऐसे मैं टिप बना लेता हूँ, हियर वी हैव टिप, ड्रिल ऐसा हो गया। तो ये जो पोर्शन है पर्टिकुलर, ये जो पोर्शन है पर्टिकुलर, इसी को बोल रहा हूँ मैं टिप बोल रहा हूँ। तो मैं देखना चाहता हूँ कि कितना डिस्टेंस होगा, व्हाट इज द डिस्टेंस वर्टिकल डायरेक्शन में अलॉन्ग द एक्सिस, अगर यहाँ से अगर इसका एक्सिस है, अलॉन्ग द एक्सिस अगर मैं देखना चाहता हूँ कि कितना डिस्टेंस है ये, व्हाट डिस्टेंस, तो ये आ रहा है सी आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं इस पूरे एंगल को ध्यान देना है, अगर मैं इस पूरे एंगल को बोल रहा हूँ अल्फा, या इस पूरे एंगल को बोल रहा हूँ सपोज करो टू अल्फा बोल रहा हूँ, टू अल्फा, दैट इज नोन एज ड्रिल पॉइंट एंगल, ड्रिल पॉइंट एंगल अगर मैं इसको बोलता हूँ टू अल्फा, दैट इज नोन एज ड्रिल पॉइंट एंगल, तो वैसे कंडीशन में मैं सी निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, ये हाफ डिस्टेंस जो है आपका कितना हो जाएगा, एक्सिस से है तो हाफ डिस्टेंस रेडियस यानी डाई बाई टू हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर मैं सिर्फ पॉइंट को अगर बनाता हूँ, ध्यान दो यहाँ पे, सिर्फ पॉइंट को अगर बना लेता हूँ इस टाइप से, अगर मैंने सिर्फ पॉइंट को ड्रॉ किया है और ये एक्सिस है, तो ये हाफ हो जाएगा कितना बताना, ये हाफ आपका हो जाएगा कितना, डाई बाई टू, दैट इज रेडियस, ये हाफ हो गया, राइट। और जैसे यहाँ पे अगर सपोज करो ये वाला पॉइंट आपका ए है, ये वाला पॉइंट आपका बी है, और ये वाला पॉइंट सपोज करो आपका डी है, ऐसे कंडीशन में, तो ये एग्जैक्टली ये पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पे बी ले रहा हूँ, और ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पे डी ले रहा हूँ। मेरे को एक्चुअली ये डिस्टेंस निकालना है, व्हाट इज दिस वैल्यू, ये वैल्यू कितना है यहाँ से यहाँ तक, सी है, स्मॉल सी लिखा हूँ, तो व्हाट इज दिस एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा सिर्फ। तो अगर देखोगे सिमेट्रिकल है तो टू अल्फा ड्रिल पॉइंट एंगल है, तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो ये सिर्फ हो जाएगा अल्फा यहाँ पे हो जाएगा, तो इस एंगल के हिसाब से, और यहाँ यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, तो वैसे कंडीशन में इस एंगल के हिसाब से ये हो गया परपेंडिकुलर, और आपके पास ये जो ये परपेंडिकुलर, और ये आपके पास क्या हो गया, बेस हो गया ना, व्हाट इज टेन अल्फा। तो अगर मैं यहाँ पे अगर टेन अल्फा अगर यूज़ करूँगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर आपका हो रहा है डी बाई टू डिवाइडेड बाई बेस जो हो रहा है वो आपका बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस, दैट इज नोन एज सी, जो मुझे निकालना है, फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी फ्रॉम यू, तो सी का वैल्यू आ जाएगा आपके पास डी बाई टू टेन अल्फा, डी अपॉन टू टेन अल्फा, ये आ गया सी का वैल्यू आ गया यहाँ पे डी अपॉन टू टेन अल्फा। अगर सी का वैल्यू अगर आपको नोन हो जाता है, ये भी आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एम एम, बिकॉज आपका जो डाया है वो एम एम के टर्म्स में है, तो सी भी किस में आ जाएगा, एम एम के टर्म्स में आ जाएगा। नाउ अगर यहाँ पे अगर मुझे अब टी एम निकालना है, अगर मुझे यहाँ पे टी एम निकालना है, तो मैं उसको भी ऐड कर दूंगा, बिकॉज आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, मैं अप्रोच को, लेंथ को, ओवर ट्रैवल को, ए एल बी को ऐड किया हूँ, तो थोड़ा सा और वो ट्रैवल कर रहा है, तो सी को भी क्या करूँगा, अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द ड्रिल उस डिस्टेंस को भी मैं ऐड कर लेता हूँ, यानी सी को भी मैं ऐड कर लेता हूँ। तो अगर मैंने सी को ऐड कर लिया है, तो ऐसा हो जाएगा यहाँ पे एल प्लस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एफ इंटू एन हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। सो दिस इज द टाइम इन टर्म्स ऑफ मिनट, ये मिनट के टर्म्स में आ सकता है। तो आप देख सकते हो ड्रिल टाइम का फॉर्मूला मैं आपको अलग अलग फॉर्म में लिखा रहा हूँ, ये इंक्लूडिंग ऑल थ्री, अप्रोच, ओवर ट्रैवल और ड्रिल पॉइंट का जो ओवर ट्रैवल है उसके लिए लेके बताया हूँ यहाँ पे मैं आपको, साथ ही साथ इस वाले में सिर्फ अप्रोच ओवर ट्रैवल, इस वाले में कुछ भी नहीं, सिर्फ लेंथ ऑफ द ड्रिल, कितना लेंथ है ड्रिल का, यानी कितना होल, लेंथ ऑफ द होल, होल का क्या लेंथ है उसके हिसाब से बताया हूँ। अब बात करेंगे यहाँ पे सी को आपको कब इंक्लूड करना है, कब इंक्लूड नहीं करना, उसके बारे में नोट पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे। सो राइट वन नोट पॉइंट, एक नोट पॉइंट गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखेंगे, और ये नोट पॉइंट आपके पास ऐसा होगा कब आपको इस सी के वैल्यू को यहाँ पे ऐड करना और कब नहीं ऐड करना है। तो जनरली ऐसा होगा, मान लो कैसे एग्जाम में आपको हिंट दिया हुआ होगा कि आपको सी की वैल्यू को ऐड करना है या फिर नहीं करना है, जनरली अप्रोच और ओवर ट्रैवल के बारे में तो ऑलरेडी मेंशनड होता है कि आपको उसको इंक्लूड करना है या फिर नहीं करना है, और इंक्लूड करना है
तो अप्रोच और ओवर ट्रैवल का वैल्यू कितना होगा, 2 mm, 5 mm, 10 mm कितना होगा, बट सी के बारे में ऐसे बताता नहीं, जनरली आपको बोल के बताता नहीं, आपको कुछ समझना पड़ेगा। समझने के लिए ऐसा है, हिंट ऐसा है कि अगर आपको ड्रिल पॉइंट एंगल, राइट, अगर मान लो आपको ड्रिल पॉइंट एंगल जो है, दैट इज अगर आपको 2 अल्फा का वैल्यू अगर गिवन है, दैट इज 2 अल्फा, अगर ड्रिल पॉइंट एंगल 2 अल्फा, अगर ये वाला डेटा आपको अगर मान लो गिवन है, ड्रिल पॉइंट एंगल 2 अल्फा आपको गिवन है, कुछ भी वैल्यू अगर गिवन है इन टर्म्स ऑफ डिग्री, वैसे कंडीशन में आप समझ जाओगे कि आपको अल्फा गिवन है। अगर अल्फा का वैल्यू गिवन है, और डाया तो वैसे भी गिवन होता है, ड्रिल का हमेशा गिवन होता है डाया ड्रिल का, तो आपको डी का वैल्यू नोन है और उसने आपको जानबूझ के प्रॉब्लम में अगर मान लो अल्फा का वैल्यू इंडिकेट किया है, ड्रिल पॉइंट एंगल आपको उसने दिया है 2 अल्फा दिया है, तो आप समझ जाओगे वहीं से कि या कंसिडर द वैल्यू ऑफ सी, देन कंसिडर सी। तो वैसे कंडीशन में आपको सी को क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एमएम। लेकिन मान लो अगर नहीं दिया है, इफ अल्फा इज नॉट गिवन, अगर मान लो अल्फा जो है आपको अगर नॉट गिवन है, नहीं दिया हुआ है प्रॉब्लम में, वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है, देन मैं ऐसा बोल पाऊंगा कि सी जो है उसको आप क्या करोगे, ऑलमोस्ट जीरो ले लोगे यहाँ पे, दैट मीन्स उसको कंसिडर आपको नहीं करना होगा। तो ऐसे आप फॉर्मूले में समझोगे कि कब आपको सी को कंसिडर करना चाहिए और कब आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे मैं जो ड्रिलिंग ऑपरेशन है आपसे अभी तक जितना भी डिस्कस किया हूँ, तो ये पूरा जो होगा वो मेनली मैं ना गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा थियोरटिकल आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि जैसे क्वेश्चंस आने का कोई चांस नहीं हो गेट एग्जाम में, बेसिकली मैं एकदम टू द पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जहाँ से मैक्सिमम गेट एग्जाम में क्वेश्चन आता है या आने का चांस है वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि अननेसेसरी क्या है, बहुत ज़्यादा थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ या थ्योरी, या हाँ मैं ऐसा अगर बात करूँ, अगर मैं क्लासरूम की बात करूँ, क्लासरूम स्टडी की बात करूँ, क्लासरूम कोचिंग की बात करूँ, तो डेफिनेटली वहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है, डिटेल फॉर्म में, थोड़ा सा थ्योरी के फॉर्म में होता है, बिकॉज वी हैव मिक्स स्टूडेंट्स। कई बार स्टूडेंट्स का एम अलग होता है, किसी को गेट देना है, किसी को इंजीनियरिंग सर्विसेज देना है, और किसी को दूसरे एग्जाम पी यूसेस में अपियर होना है। बट यहाँ पे हम लोग जो फिलहाल अभी कवर कर रहे हैं वो स्पेशली फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू, पूरा गेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे पूरा कवर कर रहा हूँ। तो और ऐसा नहीं कि सिर्फ गेट पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहा हूँ तो बाकी सब्जेक्ट्स में आप नहीं बना पाओगे। तो जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तो बाकी के जो एग्जाम्स होंगे उनमें भी आप ड्रिलिंग के न्यूमेरिकल को पूरा पूरा कवर कर सकते हैं, जो भी आएगा इजी, तो आप उसको इजीली क्या कर पाओगे, कवर कर पाओगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे मशीनिंग टाइम का फॉर्मूला दिखाऊँ और बाकी की चीज़ों को भी यहाँ पे ड्रिलिंग में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पे टूल से मटेरियल रेट को डिस्कस करते हैं, ड्रिल टूल से देखेंगे। यहाँ पे अगर मान लो ये ड्रिल टूल है यहाँ पे इस टाइप का, जैसे यहाँ पे टिप बना हुआ है, एक्सिस है, ड्रिल टूल है, और अगर इसका अगर मैं टॉप व्यू अगर देखूँ, सबसे पहले अगर इसका मैं अगर टॉप व्यू देखता हूँ, तो टॉप व्यू में कैसा दिखेगा बताना, सर्कुलर ड्रिल दिखेगा आपको, ऐसे सर्कुलर दिखेगा। और अगर ये यहाँ पे ऐसे एक्सिस है इस टाइप से, तो ये वाला पॉइंट आपको दिखेगा, सेंटर पॉइंट आपको यहाँ पे दिखेगा। मान लो अगर ये ड्रिल अगर इस टाइप से रोटेट कर रहा है विथ एन आर पी एम, अगर एन आर पी एम से ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट, सो एट एनी इंस्टेंट इसका जो वेलोसिटी होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होगा, इस टाइप से हो जाएगा वी हो जाएगा, एंड वी इज इक्वल टू पाई डी एन डिवाइडेड बाई 1000 इन टर्म्स ऑफ मीटर पर मिनट, इन टर्म्स ऑफ मीटर पर मिनट। और यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में जो डाया होगा, डाया शुड बी इन टर्म्स ऑफ mm, जो पहले मैं टर्निंग के टाइम पे भी यही फॉर्मूला आपको बताया था, v इक्वल टू पाई डी एन बाई 1000 इन टर्म्स ऑफ मीटर पर मिनट। जनरली जो प्रॉब्लम दिया रहता है गेट एग्जामिनेशन में वो इसी टर्म्स में दिया रहता है, मीटर पर मिनट, इसलिए हम लोग यहाँ पे पाई डी एन बाई 1000। अदरवाइज हम बाकी सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं कभी, जैसे हम फ्लूड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं या बाकी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फ्लूड मशीनरी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी जो लगाते हैं पाई डी एन बाई 60 लगाते हैं, जनरली वो मीटर पर सेकंड में लगाते हैं हम लोग, और डाया को जनरली मीटर के टर्म्स पर रखते हैं। बट यहाँ पे ऐसे पाई डी एन बाई 1000, जहाँ पे ये वी जो है वो मीटर पर मिनट में है और डी जो है वो एमएम के टर्म्स में यहाँ पे आपको रहेगा इस वाले फॉर्मूले में। तो इस वाले फॉर्मूले से कई बार ऐसा होता है कि वी आपको दिया रहता है तो आप वहाँ से एन निकाल सकते हो, या आपको अगर वी का जरूरत है तो आप वी भी वहाँ पर निकाल सकते हो। आगे देखेंगे मटेरियल रिमूवल रेट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मटेरियल रिमूवल रेट, मटेरियल रिमूवल रेट की बात करूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं MRR, मटेरियल रिमूवल रेट कितना होना चाहिए। तो अगर आप MRR देखोगे, मटेरियल रिमूवल रेट, सो MRR विल बी इक्वल टू 5/4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई एन, ये फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये व्हाट इज दिस पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, दैट इज नोन एज एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का एरिया होता है। तो होल जो हो रहा है वो कैसा होता है, सर्कुलर होल हो रहा है, सो दिस एरिया
सो दिस एरिया बिकॉज व्हाट इज द डाया, डाया क्या है बताना है यहाँ से। अगर टॉप व्यू से आप देखोगे तो भी आपको यहाँ पर डाया कितना दिख रहा है, डी दिख रहा है यहाँ पे। सो व्हाट इज द एरिया, उस होल का एरिया कितना है, सो पाई फोर डाया स्क्वायर, तो एरिया ऑफ द होल, तो यहाँ पे ये एरिया आ गया है। अगर मैं डाया को अगर एमएम रखो इन टर्म्स ऑफ एमएम स्क्वायर, नाउ व्हाट इज एफ, एफ जो आ रहा है आपके पास वो क्या आ रहा है बताना, फीड रेट आ रहा है इन टर्म्स ऑफ एमएम पर रेवोल्यूशन, एमएम पर रेवोल्यूशन, और एन जो है वो है स्पीड ऑफ द ड्रिल इन टर्म्स ऑफ आरपीएम, दैट इज रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट। आप यहाँ पीछे देखोगे तो ये अगर रेवोल्यूशन अगर यहाँ पे कैंसिल हो जाता है तो एमएम स्क्वायर तीनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ पे आप इस टाइप से देखो ये एमएम स्क्वायर और एमएम, तो ये हो जाएगा एमएम क्यूब पर मिनट हो जाएगा, तो एमआरआर जो आ जाएगा आपके पास, तो उसका जो यूनिट जनरली आता है वो आता है इन टर्म्स ऑफ एमएम क्यूब पर मिनट में जनरली आता है। आप उसको तो कन्वर्ट भी कर सकते हो, जो भी आएगा इन टर्म्स ऑफ पर सेकेंड और पर आवर जो भी आएगा, और एमएम क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो एज पर द प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम गेट एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे कन्वर्ट कर लोगे इस टाइप से। तो ये उसका फॉर्मूला आ जाएगा, सो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ एमआरआर, दैट इज मटेरियल रिमूवल रेट का ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, दैट इज पाई ओवर डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई एन, फॉर्मूला ऑफ मटेरियल रिमूवल रेट। तो हमने यहाँ पे मटेरियल रिमूवल रेट का भी फॉर्मूला देख लिया कि क्या है मटेरियल रिमूवल रेट का फॉर्मूला, राइट। तो साथ ही साथ टाइम वगर को भी देख लिए हैं, अलग अलग कंडीशंस में मशीनिंग टाइम क्या होगा, यानी ड्रिल फॉर टाइम फॉर वन ड्रिल, एक ड्रिल के लिए या फिर एक होल के लिए टाइम कितना होगा उसको डिस्कस कर लिए। तो जनरली जो प्रॉब्लम आता है गेट एग्जाम में वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, और बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं होता गेट एग्जामिनेशन का। अगर आप लास्ट 30 ईयर्स के पेपर्स को भी अगर एनालिसिस करते हो, खुद से भी अगर आप देखते हो, अगर आपके पास है अगर लास्ट 30 ईयर्स का पेपर किसी भी पब्लिकेशन का हो आप अगर रखे हो, तो आप वहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो कि मोस्टली जो ड्रिल का जो प्रॉब्लम आता है वो ईजी आता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, और जनरली इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट्स के बेस्ड, इसी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आता है, तो आप उसको आराम से बना सकते हो। ठीक है, मैं भी यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, एक प्रॉब्लम देता हूँ यहाँ पे गेट का, प्रीवियस गेट का, ड्रिल का, देखते हैं उस प्रॉब्लम को कैसे बना सकते हैं। तो ड्रिलिंग का प्रॉब्लम मैं गेट 2004 से ले रहा हूँ, देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे बनाते हैं। द प्रॉब्लम इज थ्रू होल्स ऑफ 10 mm डायमीटर आर टू बी ड्रिल्ड इन ए स्टील प्लेट ऑफ 20 mm थिकनेस, ड्रिल स्पिंडल स्पीड इज 300 rpm, कॉमा फीड 0.2 mm पर रेवोल्यूशन एंड ड्रिल पॉइंट एंगल इज 120 degree, एज्यूमिंग ड्रिल ओवर ट्रैवल ऑफ 2 mm द टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग अ होल विल बी, फोर ऑप्शन आर गिवन, 4 सेकंड, 25 सेकंड, 100 सेकंड, 110 सेकंड। तो ये प्रॉब्लम जो दिया है 2004 में यहाँ पे डेटा दिया है, वेयर डी इज द डाया ऑफ द ड्रिल और डाया ऑफ होल, और एल जो है ना वो थिकनेस ऑफ प्लेट है, मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ थिकनेस ऑफ प्लेट, और लेंथ ऑफ होल भी यहाँ बोल सकता हूँ इसको, एन जो है स्पीड ऑफ ड्रिल इन आरपीएम, एफ जो है फीड इन टर्म्स ऑफ एमएम पर रेवोल्यूशन, और 2 α जो है वो ड्रिल पॉइंट एंगल दिया हुआ है, ओवर ट्रैवल जो है 2 mm का दिया है। आपको जो फाइंड आउट करना है वो ड्रिल टाइम फॉर वन होल, एक होल के लिए आपको टाइम फाइंड आउट करना है, दैट इज मशीनिंग टाइम फॉर वन होल फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे बना सकते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखो आपको 2 α दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे अल्फा का वैल्यू आपको 60 degree, ड्रिल पॉइंट एंगल गिवन है, इसका मतलब आपको सी जो मैं आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पे, ओवर ट्रैवल जो दिया है वो भी आपको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। तो आपके पास जो फॉर्मूला आना चाहिए, जो मशीनिंग टाइम का यहाँ पे फॉर्मूला आएगा, जो टीएम का जो फॉर्मूला आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एल प्लस ओवर ट्रैवल, L प्लस ओवर ट्रैवल प्लस सी डिवाइडेड बाई एफ इंटू एन हो जाएगा यहाँ पे। तो पहले तो मैं सी कैलकुलेट कर लेता हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी कितना हो जाएगा, तो मैंने सी का थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखा है फॉर्मूला, सी इक्वल टू डी अपॉन 2 tan α, डी अपॉन 2 tan α डिस्कस किया हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो आप, तो डी का वैल्यू आपको दिया है 10 mm दिया हुआ है, 2 × 10 α दैट इज 1060 degree आपको दिया है, सो द वैल्यू ऑफ सी विल बी, सी का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 2.88 mm आ जाएगा, तो C का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ mm आ गया 2.88 mm आ गया है, और बाकी वैल्यू आपको गिवन है, तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर लो, सो व्हाट इज TM, तो मशीनिंग टाइम आपके पास जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू L, लेंथ आपको दिया है दैट इज 20 mm दिया है, लेंथ ऑफ होल दिया है, प्लस आपके पास ओवर ट्रैवल दिया है 2 mm दिया है, तो आप 2 mm को ऐड कर लो, और सी का वैल्यू 2.88 आप यहाँ पे ऐड कर लो, डिवाइडेड बाई एफ इंटू एन, फीड आपको दिया है 0.2 mm पर रेवोल्यूशन, तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर लो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई एन, एन का वैल्यू आपको दिया है 300 rpm दिया, तो 300 यहाँ से शुरू हुआ, आफ्टर सॉल्विंग दिस आपके पास ये जो TM का जो वैल्यू आएगा, बट ये जो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि जनरली जो फॉर्मूला आता है TM का, थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस भी कर रहे, जनरली उसका यूनिट जो होता है वो मिनट के टर्म्स में आता है, बट आपको मिनट में नहीं चाहिए, आपको जो चाहिए वो किस में चाहिए बताना, आपको चाहिए वहाँ पे सेकंड्स के टर्म में चाहिए, तो आप इसको मल्टीप्लाइड बाई 60 भी कर लीजिए यहाँ पे, राइट तो मल्टीप्लाइड बाई 60 कर रहा हूँ, सो दैट ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करोगे सॉल्व करोगे तो ये आपको नियर अबाउट 24.88 समथिंग सेकंड्स में आ जाएगा आपके पास, दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हो TM जो है वो अप्रॉक्स यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे आपके पास
फोर ऑप्शंस यहाँ पे गिवन था, तो आपके पास वैल्यू जो दिया था ए बी सी डी चार ऑप्शंस थे यहाँ पे, 425, 100, 110 दिया था, और आपका जो टी एम दैट इज ड्रिलिंग टाइम फॉर वन होल जो आ रहा है 24.8 है, दैट इज़ अप्रॉक्स आप इसको लिख सकते हो 25 सेकेंड्स आप इस यहाँ पे लिख सकते हो, सो दिस वैल्यू विल बी 25 सेकेंड्स, तो 25 सेकेंड आ गया, दैट इज़ द टाइम फॉर वन होल और टाइम फॉर वन ड्रिल आ गया 25 सेकेंड आ गया। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपका जो ऑप्शन बी हो जाएगा दैट विल बी करेक्ट, और नियरेस्ट हो जाएगा यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा 25 सेकेंड्स विल बी द राइट आंसर। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ड्रिलिंग का जो प्रॉब्लम आता है जनरली जो गेट एग्जाम में आता है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है और सिंपल प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे, और अगर मैं बात करूँ चांस की बात करूँ तो ऐसा है कि चांसेस का एवरेज है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है, बट अगर मैं कंपेयर करूँ टर्निंग के ऑपरेशन से कंपेयर करूँ तो टर्निंग के ऑपरेशन से इसका चांस थोड़ा सा लेस होता है, बट ये ऐसे ड्रिलिंग का प्रॉब्लम भी आपका गेट एग्जाम में आएगा। तो जनरली ड्रिलिंग का प्रॉब्लम इस टाइप से आप बना सकते हो, और ड्रिलिंग में मैं एक ही प्रॉब्लम बना रहा हूँ बिकॉज ड्रिलिंग का जो प्रॉब्लम होता है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता, अगर आप गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ आपसे पूछेगा, जनरली जितने भी फॉर्मूले आते हैं ड्रिलिंग के आप गेट एग्जाम के एनालिसिस पेपर एनालिसिस कर सकते हो, आप कुछ क्वेश्चंस को बना के आप देख सकते हो, तो जनरली जो भी आता है वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के बेसिस पे आता है, तो मैक्सिमम टाइम के बेसिस पे आएगा, तो आप फॉर्मूले को याद रखिए और प्रॉब्लम को इजी में सॉल्व करिए, तो जो गेट एग्जाम में प्रॉब्लम है आप दो चार प्रॉब्लम को बनाइए घर में ट्राई करिए, डेफिनेटली आपसे क्वेश्चंस को बनेगा, आई होप आप कॉन्सेप्ट्स को आप इजी वे में समझ पाए हो और क्वेश्चंस को आप आराम से बना पाओगे, आप प्रैक्टिस करने के टाइम पर भी आराम से बना पाओगे, आई थिंक गेट एग्जाम में भी आप बहुत ईजी वे में अच्छे से बना पाओगे एग्जाम में। ओके, थैंक यू।